मुजफ्फरनगर ककरोली थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की ककरोली थाना पुलिस और बदमाशों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने सोमवार की देर शाम मुखबिर की सटीक सूचना पर जटवाड़ा संबल नहर पुल के पास चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान जब पुलिस ने एक बाइक सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को घेरता हुआ देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश सलीम उर्फ बहरा निवासी मुजफ्फरनगर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि घायल बदमाश का साथी पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहा। पुलिस द्वारा जहां घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं पुलिस ने गिरफ्त में आए बदमाश के पास से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। हाँ, ये आज शाम करीब 6:15 बजे की बात है। ये जटवाड़ा नहर पुलिया पे ककरौली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी संभल हेड़ा की तरफ से दो बदमाश वो बाइक पे सवार थे जिनको पुलिस पार्टी ने रोकने का प्रयास किया तो वो पीछे मुड़ के भागे और फिर जब उनको ललकारा गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी को फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी पीछा किया उनका, उनको सरेंडर करने के लिए ललकारा, लेकिन वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते जा रहे थे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, उसमें एक बदमाश घायल हुआ है, एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागने में कामयाब रहा। हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं और उसके पास से एक तमंचा, 12 बोर, अभी मौके पर 2 खोखा कारतूस है और कारतूस की तलाश की जा रही है। एक बाइक मिली है ये डिस्कवर, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। नाम पता पूछा गया है तो उसका नाम सालिन सनाफ रमजानी, ये नया गांव थाना भोपा क्षेत्र का रहने वाला है। ये शातिर किस्म का अपराधी है, उसमें कई मुकदमे हैं गंभीर धाराओं के। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की फिराक से ये निकले हुए थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से भी बड़ी घटना होने से बचा लिया गया। सर, कोई इनाम वगैरह है? अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है, कहाँ कहाँ से वंचित है, कितना इनाम, क्या इनाम है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचारों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं के बाद अब इसका गुस्सा देश में भी दिखने लगा है। मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए बजरंग दल मुजफ्फरनगर के विभाग संयोजक पीयूष राणा ने बताया कि जिस तरह बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर आज बजरंग दल ने हर जगह पर बांग्लादेश के विरुद्ध प्रदर्शन किया है और भारत सरकार से मांग की है कि वह हस्तक्षेप कर देश विदेश में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें। बांग्लादेश का पुतला फूंका गया है। बांग्लादेश के अंदर लगभग 9 महीने के अंदर 3,000 से ज़्यादा हिंदुओं के घर फूंक दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए। ऐसा ही काम पाकिस्तान में चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है, जितने भी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर भी हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर ये कार्य हो रहा है। 1947 के अंदर जब भारत देश को आज़ादी मिली थी तो तरफ एक देश बना था, पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान। तो जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो आज यहाँ का जो मुस्लिम है वो भारत के अंदर क्यों है और जो वहाँ का जो हिंदू है वो वहाँ पे क्यों है? वो भारत का जो मुस्लिम है उनको वहाँ पे भेजना चाहिए इस्लामिक कंट्री में, और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान म्यांमार और जहाँ पे भी हिंदू है उनको भारत के अंदर शरण देनी चाहिए ताकि वे भी सुरक्षित हो। और जो यहाँ आज इतनी जो दंगे फसाद कश्मीर में हो रहे हैं, केरल में हो रहे हैं मुस्लिमों के द्वारा, वे भी बंद होंगे। वो इसमें क्या कदम उठा रही है आपको? हम भारत सरकार से आज राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मांग करते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो यहाँ के मुसलमानों को इन इस्लामिक कंट्रियों में भेजा जाए। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव लोहारी खुर्द स्थित राजवाहे पर शत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव लोहारी खुर्द स्थित राजवाहे में पानी में सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। राजवाहे में शव मिलने की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को राजवाहे से निकलवाकर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, परंतु शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव लोहारी खुर्द स्थित राजवाहे के पानी में सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। राजवाहे में शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। राजवाहे में शव मिलने की सूचना मिलते ही थाना चरथावल प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को राजवाहे से निकालकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया, परंतु शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मैं संजय सैनी लोहारी खुद से, ये हमारे जंगल में राजवाहे पड़ता है, राजवाहे में ये बॉडी मिली अज्ञात। तो हमने जो बॉडी देखी फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी,
पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने अपने बिस्तर से अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया बॉडी। तो पता लग पाया किसकी बॉडी थी, कैसे कहां से आई थी? ये नहीं मालूम, ऊपर चली आई। तो पता कैसे लगा इसका? पता ये कुछ किसान लोग यहाँ पे जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने फिर मौके पर जाके फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। शामली के यूपी हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के धान से लदे वाहनों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़े कर जमकर प्रदर्शन किया। शामली जनपद के कैराना से लगे यूपी व हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया। यूपी के किसान धान की फसल को वाहनों में लादकर बेचने के लिए हरियाणा मंडी जा रहे थे। किसानों को हरियाणा मंडी में अपनी धान की फसल बेचनी थी, लेकिन दर्जनों किसानों की धान की फसल से भरे वाहनों को हरियाणा पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद यूपी से हरियाणा जाने वाले धान की फसल को रोका गया है। कैराना क्षेत्र व अन्य जनपदों के दर्जनों किसान हरियाणा के पानीपत व सिंभाल का मंडी में अपनी धान की फसल बेचने के लिए जा रहे थे। वहीं रात करीब 1:30 बजे और आज सुबह करीब 10 बजे हरियाणा की सनोली पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने यूपी की ओर से आने वाले धान के सभी वाहनों को वापस भेज दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रोलियों में लदी धान की फसलों के साथ दर्जनों किसान यूपी बॉर्डर पर ही स्थित कैराना कोतवाली की यमुना ब्रिज पुलिस चौकी के पास खड़े हो गए। किसान तीरथ पाल ने बताया कि वह कांडला क्षेत्र के गाँव जसाला से करीब 30 से 35 कुंतल 1509 किस्म की बारीक धान की फसल सिंभाल का मंडी में बेचने के लिए जा रहा था। हरियाणा पुलिस द्वारा उसे रोका गया और कोई कारण नहीं बताया गया तथा वापस भेज दिया गया। अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस ने उनको अपने वाहनों को वापस यूपी में ले जाने की चेतावनी दी है, न लेकर जाने पर थाने में बंद करने तक की धमकी दी गई। वहीं पर मौजूद किसान नितिन ने बताया कि वह बुढ़ाना क्षेत्र के गांव गोयला से करीब 50 कुंतल बारीक मूंगी लेकर आया था। रात करीब 1:30 बजे हरियाणा पुलिस ने उसको वापस भेज दिया। किसान ने बताया कि उसे पानीपत स्थित मंडी में अपनी मूंगी को बेचना था। इसके अलावा दर्जनों किसान यूपी की ओर अपने वाहनों के साथ खड़े थे। किसानों की मांग है कि उनकी धान की फसल को हरियाणा की मंडियों में बेचने दिया जाए। हरियाणा की सनौली पुलिस चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल सज्जन कुमार ने बताया कि SHO सनौली के आदेश के बाद यूपी से आने वाले धान की फसलों के वाहनों को रोका गया है, जिसके बाद सनौली SHO नवीन कुमार ने बताया कि पानीपत के DC के आदेश के बाद वाहनों को हरियाणा में जाने से रोका जा रहा है। तो थाने में ले जाएंगे, नहीं वापसी चले जाओ, जान नहीं दे रहे हरियाणा पुलिस के लिए। हाँ, तो अभी क्या क्या मांग है आपकी? मैं हमारा धान चला जाओ मंडी में संभाल कर ले जाना। हाँ, आड़ती को बेचना है। हाँ, हाँ। तो जाने क्यों नहीं दे रहे? क्या पता नहीं है, जिस तरह पिछले 10-11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान बॉर्डर पे कृषि कानून को लेकर, तो अब दिक्कत ही आ रही है। सरकार कह रही है किसान कहीं भी बेच सकता है, लेकिन जान तो नहीं दे रहे, बेचे तो जान दे। मैं तो कौन मना करा रहा? पुलिस मना कर रही, पुलिस हरियाणा पुलिस। हाँ, तो क्या क्या मांग है आपकी? किसान हमारा धान चला जाओ मंडी में, ये 50 क्विंटल है जी। अच्छा, कहाँ लेके जानी थी? मंडी लेके जानी थी पानीपत। किसने रोका आपको? पुलिस वालों ने रोका, उधर से रात 1:30 बजे आ गए थे यहाँ पे, फिर उनसे पूछा मगर नहीं, नो कोई भी जीरी का दाना उधर नहीं जाएगा। पानीपत मंडी में लेके जानी थी? हाँ जी। तो हरियाणा पुलिस ही रोक दी? हाँ, हरियाणा पुलिस रोक दी। वापसी कर दी आपको? अभी वापसी कर। तो अब क्या क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? मंडी में जाना चाह रही है जी? ये तो बारीक जीरी है, बारीक जीरी है जी, ये तो 1509 है जी, मोटा भी नहीं है, मोटा भी नहीं है ये तो, और मोटा निकल रहा है जी, बेचना चाह रही है। हाँ जी। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल के ग्राम प्रधानों की पंचायत अधिकार महारैली को सफल बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। 28 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली ग्राम प्रधानों की पंचायत अधिकार महारैली को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक गुप्ता रिजोर्ट मुजफ्फरनगर में संपन्न हुई, जिसमें पंचायत अधिकार रैली को सफल बनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के नेशनल हाईवे पर स्थित गुप्ता रिजोर्ट पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें 28 अक्टूबर को इको गार्डन लखनऊ में होने वाली पंचायत अधिकार महारैली को सफल बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी ग्राम प्रधान गाड़ियों से 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे लखनऊ के लिए कूच करेंगे। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सतेंद्र बालियान, प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष चरथावल, अशोक पुंडीर, कुशल पाल कश्यप, अपसरुण प्रधान, संतराम प्रधान आदि मौजूद रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।